हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं देसी ब्लॉगर 99। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको एक होम थिएटर की किट जो है उसको अनबॉक्स करने वाले हैं, जो कि होम थिएटर 2.1 5 वोल्ट के अराउंड में आता है। तो गाइस, उस चीज़ का हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। तो गाइस, ये चीज़ जो है मैंने इस चीज़ को मार्केट के अंदर से परचेस किया हुआ था। तो गाइस, ये मुझे ऑनलाइन मार्केट में 350 के आसपास में पड़ा है। गाइस, अगर जो आप इसका बाय लिंक चाहते हैं तो मैं इसका बाय लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो वहां से इसको डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अगर आपके मार्केट में अगर जो साउंड बॉक्स रिपेयर करता है तो आप उसके पास से भी ये चीज़ खरीद सकते हैं। तो गाइस, ये कुछ इस प्रकार से आ जाता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में मुझे कुछ ये जो वायर है, जम्पर वायर, इसके अंदर में कुछ फ्री वायर्स मिलते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के अराउंड में आते हैं। तो गाइस, यहाँ पे पड़ता है 3 पिन सॉकेट का, यहाँ पे आ जाता है हमको 5 पिन सॉकेट, फिर यहाँ पे एक आ जाता है 2 पिन, फिर से आ जाता है 3 पिन, फिर 3 पिन और फिर 2 पिन। तो गाइस, ये रहे कुल 5 वायर जंपर वायर। और गाइस, इसके साथ में ये 2 मुझे मिला है जो कि यहाँ पे आप इसको ऐसे करके यहाँ पे अपने स्पीकर का जो प्लस माइनस जो है एडजस्ट कर सकते हैं। गाइस, तो ये 2 मिला। और गाइस, मेन चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। गाइस, मुझे इसमें कमाल की एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे जो आईसी है, तो इस आईसी को हीट सिंक बनाने के लिए यहाँ पे एल्युमिनियम का जो है अच्छे से टुकड़ा एक लगाया गया है, एल्युमिनियम पीस आप बोल सकते हैं इसको। ये बहुत ही अच्छे से लगाया गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं आईसी है जो कि हमारे डायरेक्ट 220 वोल्ट को 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगी। तो गाइस, ये रहे यहाँ पे कुछ किट्स लिखे हुए। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर लिखा है। तो गाइस, यहाँ पे हमारा अटैचमेंट होने वाला है सब ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पिन में दिया हुआ है बेस। तो गाइस, यहाँ पे हम एक पोटेंशियोमीटर लगाएंगे जो कि 10 kΩ रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पे हम अपना जो है बेस लगा सकते हैं। और गाइस, ये रहा यहाँ पे 12012। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12012 दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि आप यहाँ से डायरेक्टली 12012 का ट्रांसफार्मर जो है ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, एसपी का मतलब हुआ कि स्पीकर हुआ, और यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ से हम ब्लूटूथ मॉड्यूल अपना ऑन करने वाले, और यहाँ से हम 5 वोल्ट डीसी ब्लूटूथ के अंदर में डाले। तो गाइस, कुछ ये इस प्रकार से बहुत ही अच्छे बिल्ड क्वालिटी के अंदर में आ जाता है। और मैं इस चीज से होम थिएटर बनाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि आखिर उसका जो आवाज़ है, आवाज़ भी टेस्टिंग कराऊंगा, उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी करने वाला हूँ ताकि आपको पता चले कि आखिर स्पीकर कैसे बनाए जाते हैं, फिर जो भी है। तो गाइस, इस चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना, तो गाइस यहाँ पे हम ले लेते हैं 12012 का जो है ट्रांसफार्मर। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12012 लिखा हुआ है, ये सुप्रा गोल्ड का ट्रांसफार्मर है। ये हमको तकरीबन 150 के आसपास में मिला। आप कमेंट कर दीजिएगा आपके तरफ कितने में आ जाता है गाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वायर जो टूट चुका था तो मैं एक्स्ट्रा वायर जोड़ दिया हूँ। तो यहाँ पे गाइस, आप देख सकते हैं एक तो ब्लैक वायर है, फिर ब्लैक वायर है, फिर ग्रीन वायर है। तो गाइस, इसमें क्या होता है 12012, इसका मतलब होता है कि अगर आप यहाँ से चाहें तो 12 वोल्ट ले सकते हैं। ये जो वायर है ये ग्राउंड का है, ये मेन है, ये भी मेन है, और यहाँ से हम 220 वोल्ट एसी जो है इसके अंदर में सप्लाई करवाते हैं। तो गाइस, अगर जब चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्ट 12 वोल्ट ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, और ये जो है कॉमन है जिसको ग्राउंड भी बोला जाता है। तो गाइस, इस ट्रांसफार्मर को कर लेते हैं सबसे पहले साइड, और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा हमारा 5 वोल्ट डीसी ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो गाइस, आप इसके अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे मुझे 4 वायर्स मिल जाते हैं। तो 4 वायर्स का मतलब हुआ कि गाइस, यहाँ पे जो है एक इन दोनों वायर्स में से ये जो बीच वाला वायर है फर्स्ट, और इसका थर्ड ये जो है पॉजिटिव और निगेटिव हो गए, यानी कि जो हम स्पीकर में डालने वाले हैं वो हो गए, और यहाँ पे हो गया जो इनपुट देने वाले हैं इसके अंदर ये वो हो गया, और बीच वाला जो है वो कॉमन है जो कि ग्राउंड के साथ जुड़ जाएगा। और यहाँ पे जो है ब्लैक और रेड जो कि प्लस और माइनस का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तमाम प्रकार की दी हुई है जहाँ से आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मेरे पास जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो है एक ये पोटेंशियोमीटर है जो कि 100 kΩ रेजिस्टेंस का है। तो गाइस, ये अभी कंडीशन में है। तो गाइस, इसमें होता है थ्री पिंस लगे होते हैं जो कि एक जो है इसमें से ग्राउंड होता है और एक पॉजिटिव और निगेटिव आप बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे हम 3 वायर्स ले लेते हैं। और गाइस, यहाँ पे जो है हमारे पास एक छोटा सा है जो ये सब ऊपर है जो कि अभी कंडीशन में है गाइस, तो इसका एक वायर नहीं है, इसमें अभी सोल्डरिंग करके दिखाऊंगा और आपको इस मॉड्यूल से जो है ब्लूटूथ स्पीकर बनाऊंगा। अभी बजा के थोड़ा सा दिखा दूंगा गाइस, क्योंकि अभी मेरे पास जो इसका जो बेस है वो नहीं है, मैं इसका कल जो बेस है वो बनाऊंगा
और उसके अंदर मैं इसको फिट करूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि आखिर ब्लूटूथ स्पीकर जब बेस में चला जाता है तो उसका आवाज़ कैसे बन जाता है। तो बने रहे हमारे वीडियो में, तब तक मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइज फाइनली ये जो है सारी चीज़ का जो वायरिंग जो है मैंने कंप्लीट कर दिया। तो गाइज़ ये जो है ये पोटेंशियोमीटर जो गाइज ये पहले वाला था ये ख़राब हो चुका था, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया और यहाँ पे दूसरा वाला लगाया हुआ। तो गाइज़ सेम किलो ओम का जो पोटेंशियल जो है मैंने यहाँ पे लगाया हुआ। तो आप यहाँ पे अभी सुन सकते हैं कि यहाँ पे जो म्यूजिक जो है प्ले हो रहा है और यहाँ पे प्ले हो रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट भी आ रहा है गाइज, और ये जो है पूरी तरह से अभी चल रहा है। तो गाइज अब यहाँ से कर लेते इसको वॉल्यूम को थोड़ा सा। गाइज मोबाइल से अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से जो मोबाइल का जो वॉल्यूम है पूरी तरह से भी डाउन था गाइस, जैसे ही हम तो गाइस इसको जैसे ही हम तेज करते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी तगड़ी सी बेस दे रही है गाइस। अब आप यहाँ पे इसका बेस चेक कर क्वालिटी में जो है बेस आ रहा है, और ये जो स्पीकर है वो भी अच्छी क्वालिटी में जो है अभी जो है बज रहा है। तो गाइज आप अगर चाहे तो इस चीज़ की मदद से अपने घर पे जो है एक अपना होममेड जो है होम थिएटर जो है बना सकते हैं। तो गाइज ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं गाइज दूसरे वीडियो को, तब तक के लिए गाइज जय हिंद।